हाय, माय नेम इज निखिल और आप देख रहे हैं निखिल की वाणी यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं फेमिनिज्म के बारे में। बेसिकली फेमिनिज्म होता क्या है? हर लड़की को समान अधिकार मिलना जो एक लड़की को मिलता है, चाहे वो जॉब में हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे किसी भी तरीके के, जहां पे भी लड़की का अधिकार है वहां पे लड़की को भी बराबर का हक है। इस दुनिया में हर एक लड़की को वो अधिकार है जो एक लड़के को है। बेसिकली फेमिनिज्म ये चीज है, और फेमिनिज्म बहुत अच्छी चीज है क्योंकि ये बिल्कुल सही चीज है, क्योंकि एक लड़की को अगर कोई चीज मिल रही है तो एक लड़की का भी उतना ही हक है उस चीज पे, तो चाहे वो जॉब हो, पढ़ाई हो, कुछ भी हो। तो अगर मैं बात करूं फेमिनिज्म के बारे में, तो मेरे हिसाब से फेमिनिज्म बहुत अच्छी चीज है कि लड़कियों को आगे लाने के लिए बहुत परफेक्ट चीज है। बट अब गड़बड़ कहां हुई? ठीक है, चीजें बहुत अच्छी आती है दुनिया में, हर चीज अच्छी बनती है, बट हम उसे गलत करना शुरू कर देते हैं। अब फेमिनिज्म चीज थी, बहुत सही चीज थी कि यार सबको बराबरी का अधिकार हो, चाहे वो जॉब हो वगैरह हो। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है कि देखो, हमारे बॉलीवुड में जो मेल सुपरस्टार है ना, उनको फिल्मों के मिलते करोड़ों, 25-25, 30-30 करोड़ मिल जाते हैं, शाहरुख, सलमान, आमिर, इन लोगों को। वहीं जो फीमेल एक्ट्रेस है उन्हें 2 करोड़, 1 करोड़, 5 करोड़, इतने में ही खत्म कर देती है उनकी प्राइस। पैसों में भी फेमिनिज्म है कि बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। अगर कोई लड़का 25 करोड़ ले रहा है फिल्म करने के लिए, वहीं लड़की को भी इतने पैसे क्यों नहीं मिल रहे? जबकि देखा जाए तो लड़कियां ने काफी अपने दम पे फिल्में हिट कराई है, जबकि बड़े स्टार्स की फिल्में पिट रही है। तो बराबर का अधिकार होता ही है, होना ही चाहिए, मेरा ये मानना है कि होना चाहिए, और ये बिल्कुल सही चीज है। तो अब दिक्कत कहाँ है? अब दिक्कत कहाँ है? सब कुछ परफेक्ट है, जब फेमिनिज्म इतनी अच्छी चीज है तो फिर इतनी बहस क्यों, इतनी बहस क्यों होती है इस चीज पे? क्योंकि लोग अच्छी चीज लेना ही नहीं चाहते। ठीक है, फेमिनिज्म बहुत बढ़िया चीज है कि बराबरी होनी चाहिए। गवर्नमेंट भी कहती है कि हाँ भाई, लड़का लड़की के बीच बराबरी होनी चाहिए, चाहे हर चीज में होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अब गलत क्या? गलत ये है कि लड़कियां चाहती है कि हम वो चीजें करें जो लड़के करते हैं। मतलब ठीक है ना, कोई गधा है तो हमें भी गधा बनना है। तो मैंने बहुत से वीडियोस देखे यूट्यूब पे, लाइन से बहुत सारे वीडियोस थे कि भाई इंडिया में फेमिनिज्म आ चुका है, अब हम सिगरेट पी सकते हैं, इंडिया में फेमिनिज्म आ चुका है तो हम ज्यादा लड़कों के साथ सेक्स कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, रात को देर से घर पे आ सकते हैं। मतलब उनके लिए ये फेमिनिज्म है? सुनो मेरी बात, वो गधा है, आप भी गधे हो। तो मतलब कोई लड़का कुएं में कूद रहा है तो हम भी कूद जाएं। लाइक ये चीजें बहुत ज्यादा हो चुकी है बड़े शहरों के अंदर। मतलब लड़कियों का लगता है कि फेमिनिज्म बहुत कूल है यार, कि सिगरेट पीना है तो नॉर्मल बात है, या लड़के भी तो पी रहे हैं। भाई वो पी रहा है, वो गधा है, इसलिए पी रहा है, तुम क्यों पी रहे हो? तुम भी गधे हो, ठीक है, मान लो गधा। मेरे हिसाब से फेमिनिज्म का अगर तुम्हें सही में अगर यूज करना है ना, अपने भाई का हाथ पकड़ के बोलो ठीक है भाई, अपन दोनों मिलके घर का खर्च चलाएंगे, वो होता है सही यूज फेमिनिज्म का। ये सिगरेट पीना, घूमना, लेट आने से फेमिनिज्म नहीं फैलता। अब बहुत से लोग गालियां बकेंगे इस चीज पे कि ये तू तू कौन होता है बोलने वाला कि भाई हमें टाइम पे घर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, सिगरेट पीनी चाहिए नहीं पीनी चाहिए, कुछ भी करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मैं कोई नहीं होता बोलने वाला, बस इतनी सी बात का ध्यान रखो सर कि अगर कोई गलत कर रहा है तो हम भी उन घरों में नहीं है, भेड़ चाल नहीं चलनी है कि ये लड़का गलत काम कर रहा है तो मैं भी वो काम करूंगी। क्यों करूंगी भाई, जब तुम्हारे पास दिमाग है ज्यादा। ये तो साइंस कहती है कि लड़कियों के पास लड़कों से ज्यादा दिमाग होता है, तो ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करके अपनी जो पावर है उसको सही डायरेक्शन में यूज करो। उल्टे सीधे जो काम लड़के कर रहे हैं वो कोई सही काम है? सिगरेट पीना कोई सही काम है? शराब पीना कोई सही चीज है? वो उनका पर्सनल चॉइस है। और देखो, एक वक्त पे आने के बाद ये चीज फालतू हो जाती है, जब आप अपनी जिम्मेदारी लेना शुरू कर देते हो ना, तब पता चलता है कि कौन फेमिनिस्ट फेमिनिस्ट जो चिल्लाते ना, सब धरे के धरे रह जाएंगे सर। बात करते फेमिनिज्म का फंडा आया कहां से। ये था भाई वेस्ट साइड से, तो बहुत अच्छी चीज है। मैं कह रहा हूँ तेरे से की वीडियो में अच्छी चीज कैसे अच्छी चीज है। देखो, एक कंट्री है इंडिया और एक कंट्री है अमेरिका, ठीक है। मान लो इंडिया में 100 लोग हैं, 50 लड़के 50 लड़कियां, अमेरिका में 100 लोग हैं, 50 लड़के 50 लड़कियां। अब वहां मान लो 45 लड़के काम करते हैं, ठीक है, सारे अधिकार हैं उनको, भारत एक पुरुष प्रधान देश है और वहां पे नॉर्मल सब चलता है, 45 लड़के काम कर रहे हैं। वहीं साथ में 35 लड़कियां, मान के चलो 35 लड़कियां भी काम कर रही है, क्योंकि वहां पे ऐसा नहीं है पुरुष प्रधान नहीं है, तो 35 लड़कियां भी काम करती है, कितने हो गए 80 लोग 100 में से वहां काम कर रहे हैं, तो वो कंट्री ज्यादा डेवलप होगी, ठीक है ना। ज्यादा लोग काम करें तो ज्यादा जल्दी प्रोग्रेस करेगी। और वहीं इंडिया में बात करें, 40 लोग काम करें लड़कों में से, और लड़कियों में मुश्किल से 10 लड़कियां काम कर रही है 50 में से, कितने हुए 50। मतलब आपकी ग्रोथ जहां 80 है, जहां 80 लड़ रहे हैं किसी चीज के लिए, आप लोग सिर्फ 50 हैं। तो मैं, तो अगर फेमिनिज्म इंडिया में आया है,
जो लोग लेके आए हैं चीज को, तो उसको बढ़ाएं और टक्कर देना इन कंट्रीज को। अगर फेमिनिज्म का किसी बुखार चढ़ा है सबको, तो भाई लगा दो ना जान। मतलब जहां पे 50 लोग काम करें वहां 80 करें ना, 100 करें ना। चलो तो तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं, फेमिनिज्म इंडिया क्या है। एक पेज है फेसबुक पे, देखा हो किसी ने तो, बिल्कुल घटिया पेज है, बिल्कुल दो कोड़ी का पेज है। फेमिनिज्म क्या है? कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ अपने कास्ट को, धर्म को गालियां देते हैं वो। सिर्फ उस पूरे पेज में आप देखोगे कि हिंदू देवी देवताओं के बारे में, हिंदू रिलीजन पर, हिंदू से रिलेटेड जितने भी पोस्ट है सब में सब नेगेटिव चीजें, सारी की सारी नेगेटिव चीजें, सारी की सारी। मतलब होली को कुछ गलत गलत करके उन्होंने जोड़ दिया है, और जो मुस्लिम्स के फेस्टिवल्स हैं उनको बहुत अच्छा बता दिया है। मैं किसी कास्ट के अगेंस्ट नहीं हूँ, मुस्लिम हिंदू मैं नहीं करता, मैं नहीं मानता, बट चीजों को गलत नहीं दिखाना चाहिए, मेरा ये मानना है। जैसे घटिया पेज है ना जो, उस चीजों को गलत दिखाया गया है। और बहुत से लोग हैं ना जो फेमिनिस्ट बनती है लड़कियां, सुनो तुमसे बात करूं मैं, फेमिनिस्ट बनती है ना। एक चीज है, हिंदू धर्म में आप क्वेश्चन कर सकते हो, भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला आप क्वेश्चन कर सकते हो, गीता में क्या लिखा है आप क्वेश्चन कर सकते हो। इस धर्म की सबसे बेस्ट चीज है ये, सबसे अच्छी खासियत है हिंदू धर्म की, आप क्वेश्चन कर सकते हो अपने धर्म पे, ठीक है। इसके और इंडिया के अंदर हिंदू मैरिज लॉ, या बहुत से लोग हैं जो हिंदू धर्म के अंगे, जो हिंदू धर्म है उससे रिलेट करते हैं, तो लड़कियों के सो कॉल्ड लड़कियां जो फेमिनिस्ट बनती है, ठीक है। कभी आपने बात करी शरिया कानून पे मुस्लिम लोगों के लिए? कभी बात की है कभी मुस्लिम लड़कियों के लिए? खड़ी हुई हो तुम लोग, तब तुम्हारी जुबान नहीं निकलती। वो फेमिनिज्म वाले पोस्ट पे, पेज पे इतने पोस्ट आते हैं मुस्लिम सपोर्ट में, और कोई लड़की एक बंदी आके बोली है कि भाई ये गलत चीज है, नहीं बोलेगी, डर लगता है फतवा जारी हो जाएगा। अगर तुम इतनी बड़ी फेमिनिस्ट बनती हो तो खड़ी हो ना, खड़े हो उन बहनों के लिए, मुस्लिम लड़कियों के लिए खड़ी क्यों नहीं होती तुम लोग? तब तो सारी फेमिनिस्ट दुबक जाती है, बट जहां हिंदू धर्म की बुराई करने की बात आती है सब निकल जाती है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें कोई कोई बोलने वाला नहीं है ना। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करो, थोड़ा सा दिमाग। फेमिनिज्म की जरूरत किसको ज्यादा है, हम लोगों को ज्यादा है उन लोगों को ज्यादा है? थोड़ा सोचना। हम लोगों के धर्म में फिर भी आजादी है, वहां आजादी नहीं है। जब से फेमिनिज्म आया है तो ना कोई शरिया कानून की बात कर रहा है, ना कोई मतलब इक्वालिटी की बात कर रहा है, ना कोई अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है, सिर्फ बात कर रहा है कूल दिखने की, कि भाई रात को देर से आएंगे, सिगरेट पिएंगे, दारू पिएंगे, छोटे कपड़े पहनेंगे, जो करना है करो यार, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा पर्सनल चॉइस है, पर इसको फेमिनिज्म से मत जोड़ो, ठीक है। अपनी गंदी सोच एक अच्छे, अच्छी सोच के साथ, अच्छे पॉइंट के साथ, अच्छे सिद्धांत के साथ मत जोड़ो तुम, ठीक है। तुम्हें जो करना है करो यार, तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, कोई नहीं रोकने वाला। और तुम बोलते हो कि फेमिनिज्म से समाज अलचुप हो जाएंगे, भाई नहीं होंगे, जो अब तक नहीं हुआ वो अभी भी नहीं होगा। तुम्हारी जनरेशन कुछ कर सकती है, कर देगी बदलाव, वो नहीं करेंगे, उन्होंने नहीं देखी ये चीजें। तो तुम जो तुम कूल बनते हो ना, सिगरेट हाथ में लेके लड़कियां घूमती है, बन लो कूल, कुछ नहीं रहना भाई इससे, कुछ नहीं होने वाला। फेमिनिज्म, अगर फेमिनिज्म को सपोर्ट करती हो तो उठो, अपने लिए खुद लड़ाई करो। तुम में से कितनी लड़कियां जो अपने आप को फेमिनिस्ट बोलती है, क्या करती है भाई? कभी अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तुम लोगों ने? तो कूल लड़कियां है ना बहुत फेमिनिज्म वाली, सुन लो भाई, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके देखो अपने घर की, खड़े होके देखो अपने भाई के साथ, तुम्हें सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा फिर बोलना। फेमिनिज्म फेमिनिज्म चिल्लाने से फेमिनिज्म नहीं होता, बराबरी है तो बराबरी में खड़े हो, बराबर वाला काम करो, तब जाके कोई फेमिनिज्म वाला शब्द का कोई इस्तेमाल होगा। और जो सो कॉल फेमिनिस्ट है तुम्हारी, जिसको तुम फॉलो करती हो, छोड़ दो फॉलो करना। एक बंदी अगर खड़ी हो जाए मुस्लिम लड़कियों के लिए तब बात करेंगे भाई। एक बंदी अगर खड़ी हो जाए मुस्लिम लड़कियों के लिए, मुस्लिम औरतों के 3 तलाक हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, कोई खड़ा नहीं होता, कोई बात नहीं करना चाहता उनके लिए, क्यों? उनको अधिकार नहीं है? फेमिनिज्म फेमिनिज्म करते तो उनको अधिकार नहीं है? जिस दिन उन सभी लड़कियों के लिए खड़ी हो पाओगे ना तुम लोग, तब बात करते हैं हम फेमिनिस्ट लोगों से, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, गालियां बकनी है तो बक देना यार, शर्माना मत। मैं और किसी लड़की के अगेंस्ट नहीं हूँ, मुझे रियली मैं फेमिनिज्म को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि करना चाहिए, क्योंकि अच्छी चीज है। लड़का लड़की में बराबर का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज में हो, स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो जॉब में हो, किसी भी चीज में हो, बहुत बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ इस चीज को। बट वो सो कॉल फेमिनिज्म वाली और फेमिनिस्ट लोगों को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, जो दोगले होते हैं, जो सामने कुछ और पीछे कुछ और। कूल दिखना है ना तो आर्मी की यूनिफॉर्म पहन लो, बहुत कूल लगोगी, बहुत खूबसूरत भी लगोगी। पुलिस की यूनिफॉर्म पहन लो, बहुत खूबसूरत लगोगी, बराबर खड़े होके देखो, बहुत खूबसूरत लगोगी। जय हिंद, वंदे मातरम।